खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों किशनगंज ही नहीं सीमांचल में एक मुद्दा बड़ा तेज़ी से छिड़ा हुआ है, जो सोशल मीडिया से लेकर के अब ऑफलाइन ऑनलाइन से लेकर के अब जो है ये ज़मीनी स्तर तक जा चुका है। लोकल जनप्रतिनिधि भी इस पर अब बातचीत करने लगी है। इस वक्त हम मौजूद हैं एएमयू कैंपस के बाहर। यही वो एएमयू कैंपस है जो पिछले 10 सालों से हिचकोले खाकर ऐसे ही इसी अवस्था में पड़ा हुआ है। आज यहाँ पे लोग मवेशी चरा रहे, गेट भी तोड़ दिया गया है। इसी तरह का जो है ये मार और ये दंश लगभग पिछले 10 सालों से झेल रहा है। इस वक्त ये मुहिम खबर सीमांचल लगातार जो है 26 और 27 जनवरी को ट्विटर पर ट्रेंड कराने के लिए, एएमयू फंड रिलीज कराने के लिए एक मुहिम छिड़ा है, जिस पर आप लोगों की भरपूर सहयोग मिल रही है, भरपूर आप लोग सहयोग देने का भी प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ खास मंशा था कि इस कैंपस के नज़ारा को आपको दिखाना था और यहाँ पे कुछ लोगों से हमको बात करना था कि वो लोग जो है फंड रिलीज को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद नूरानी हुसैन। आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं? जी, यहाँ का प्रॉपर है। तो इस कैंपस में तो आप डेली आते होंगे? जी, हम लोग आते हैं घूमने के लिए। और यहाँ जो है गेट उट भी टूट गया है पूरा। इसके लिए यहाँ तो अंदर खैर कोई चीज़ अलाउ नहीं है ले जाने का, क्योंकि प्रशासन आ जाते हैं, डीएम एसपी सब आ जाते हैं। वही यहाँ का आवाम तो पूरा कोशिश में है कि बन जाए। हाँ, क्योंकि ये इलाका जो है पढ़ा लिखा कम है, ताकि यहाँ यूनिवर्सिटी बन जाने से हम लोग का बच्चा का भविष्य बन सकता है, सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका। ये नहीं कि नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मगर पढ़ाई हर मज़हब का है। नाम दिया गया है मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मगर पढ़ेंगे तो सब कोई। जैसे हम लोग के यहाँ मारवाड़ी कॉलेज है सर, मारवाड़ी कॉलेज में तो मारवाड़ी नहीं है पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं, हर कोई हर धर्म का पढ़ते हैं, बुद्ध भी पढ़ते हैं, बुद्धिस्ट का भी। इसीलिए हम लोग सरकार से हमेशा मांग किए हैं। एक बहुत बड़ा धरना है, अभी भी आप यूट्यूब में देख सकते हैं या इसमें, कि वहाँ चक्का जाम हुआ था, फिर फंड रुक गया है। तो हम लोग तो यही मांग करते हैं, हम लोग यहाँ का जनता, कि जल्द से जल्द बने यूनिवर्सिटी। अब फंड रिलीज को लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं? हम लोग तो यही सोचे हैं सर कि 26 जनवरी को शायद कोई धरना प्रदर्शन है, हम लोग भी बैठेंगे यहाँ। हम लोग को तो ज़्यादा कोशिश करना होगा, क्या है कि यहाँ का हम लोग आवाम है, यहाँ का हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द बने और अच्छी बात हो। अच्छा, आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ये फंड जो रुका हुआ है किसकी वजह से रुका हुआ है? देखिए, ये फंड जो है कुछ जो है कमी बिहार सरकार की भी है। हाँ, बिहार सरकार की भी है, नहीं तो ये तो हर जगह से पास हो चुके हैं, मगर फिर फंड रुक चुका है। नहीं तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, उस जगह जो है 2 रूम भी बना चुका था, जो रूम जो है गेट उट वगैरह टूट गया है, इसमें कोई गार्डिंग भी नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग कितना देखभाल करेंगे जनता का? हम लोग आते हैं 1-8 घंटा के लिए और देख के चले जाते हैं। हम लोग कहाँ जा रहा है कि यहाँ पे कुछ कोर्सेज भी शुरू हुई थी, कभी पठन पठन भी है क्या? हाँ, यहाँ तो कोर्सेज शुरू हुई थी, मगर वही बताएं तो आपको कि प्रशासन का भी कुछ ढिलाई है, कुछ यहाँ जो बड़े नेता है वो लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए कि सर हम लोग जो है यहाँ हम लोग कोशिश कर सकते हैं बात पहुँचाना मीडिया के माध्यम से। हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार तक पास पहुँचे, चाहे अभी जब बीजेपी सरकार है उससे भी हमको हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हो। इसलिए कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हर मज़हब का है, ये कोई एक मज़हब का पढ़ने नहीं आएंगे, इस इलाके का सीमांचल का भविष्य बन जाएंगे, यही हम चाहते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद जावेद इकबाल, रुगामा। जी, आप फंड रिलीज को लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या कहाँ कमी रह गई है कि पिछले 10 सालों से ये जो है सीमांचल वासियों को झेलना पड़ता है? देखिए, मैं अभी तो यही कहूँगा कि हम कुछ दिन से लगभग 10 दिसंबर से इस अभियान को चला रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग, सांसद जी दिल्ली में मेहनत कर रहे हैं, होम मिनिस्टर से लेकर प्रधानमंत्री तक अलीगढ़ का साख का कायम के लिए कोशिश कर रहे हैं। लोकल जो जनप्रतिनिधि हमारे MLA जितने भी लोग हैं इस इलाके के सीमांचल के, फिलहाल ये लोग लगभग सो चुके थे, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे MLA लोग सोए नहीं जी। हमारे MLA लोग जगे और जगने के बाद प्रशासन से मांग करें कि हमारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ये जो वीरान सा जंगल जो पड़ा हुआ है ये सब देख रहे हैं, और ये सामने में कुछ बच्चे भी हैं, आप थोड़ा दिखा दें। मैं इस बच्चे के खातिर, इस बच्चे का भविष्य की वजह से
हम लोग थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया में मेहनत कर रहे हैं, इलाका मेहनत कर रहा है, हम लोग तो पढ़ने नहीं पाएंगे, लेकिन अभी ये साख बन जाएगा तो ये मेरा बच्चा जो देख रहे हैं ना, ये मासूम बच्चों का ज़िंदगी बनेगा। और हम लोग किशनगंज वासी खुशकिस्मत हैं, खुशकिस्मत इसलिए हैं कि बिहार में और केंद्र में दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में मेरी भागीदारी है। भागीदारी इसलिए है कि हमारे डॉक्टर दिलीप कुमार जसवाल हमारे MLC हैं, हम लोग उन लोगों को विधान पार्षद में मौका दिया, इस इलाके से हम लोग सैयद शाहनवाज हुसैन को BJP से मौका दिया, हमारे मास्टर मुजाहिद साहब एक कर्मठ नेता हैं, उनको भी हम लोग दिल में रखते हैं। तो सारे लोग इस किशनगंज जिला में कोई भी पार्टी के लोगों का हम लोग विरोध नहीं है, सारे लोग हम लोग उनका है, और हम लोग सारे लोगों को चाहते हैं कि जब हम लोग BJP को चुना, JDU को चुना, RJD को चुना, कांग्रेस को चुना, तो हम तो खुशकिस्मत ना हैं, हम तो हर पार्टी का लोग हिंदुस्तान में लड़ाई कर रहे हैं, पार्टी 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 पार्टी, हमारे किशनगंज में तो पार्टी की लड़ाई नहीं है, भाजपा में हमारे डॉक्टर साहब हैं, MLC साहब, हमारा हक है कि वो ध्यान दे, ध्यान नहीं देंगे तो हमारा हक है कि उसके खिलाफ करें। हाँ, कब से इस कैंपस को इस तरह से देखता है? 10-15 साल से ऐसी पड़ा है, इसमें थोड़ी कोई काम काज हो रहा है। जानते हैं यहाँ के बारे में कुछ? नहीं, हम क्या, हम लोग थोड़ी इधर बराबर आते हैं कि कहेंगे, खेती वाला आदमी हम लोग उधर रहते हैं, कभी कभी माल जाल लेके आ जाते हैं तो देख लेते हैं। तो यहाँ तो बहुत बड़े बड़े नेताओं का जो है आना जाना हुआ था, कभी आपको पता नहीं चला? तो नेता यहाँ का छोड़िए ना, नेता सब कोई अपना अपना धंधा में, इसका जो अलीगढ़ के बारे में किसी को उतना ये नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो आगे फंड रिलीज होना है, क्या कुछ सोच रहे हैं? अगर होए तो अच्छा। क्या फायदा होगा चाचा इसमें? फायदा होगा बहुत, बच्चे पढ़ेगा, सबका पढ़ेगा, बनेगा तब ना। हम नहीं रहेंगे, मेरा पोता रहेगा और कोई रहेगा, उसका इंतजाम करेगा तब ना, उसका तो इंतजाम ही नहीं तो कहाँ से क्या होगा।